नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में। यदि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया था और आपको 6-7 महीने हो गए, आपने ट्रेनिंग भी नहीं की है, आपके पास कोई फोन कॉल नहीं आया, आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन एक दिन अचानक बाई पोस्ट आपके घर पर एक आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट पहुंच जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या आपके पास पहुंचा होगा तो वहां से देख सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि आईडी कार्ड और ये सर्टिफिकेट सरकार ने बिना ट्रेनिंग के मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो मुझे इसे करना क्या है, इस सर्टिफिकेट मुझे क्यों प्रोवाइड कर दिया सरकार ने, ना तो मैंने ट्रेनिंग ली है और ना ही मैंने अभी तक कुछ किया है, बट सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिल गया है। तो दोस्तों ये क्यों मिला है, इसका क्या रीजन है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना, इससे आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाए। अब दोस्तों आपको बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिल गया है तो आप सोच रहे होंगे पर ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आपके सरकार ने ये आईडी कार्ड और जो सर्टिफिकेट भेजा है सिर्फ ये बताने के लिए भेजा है कि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया है और आपको अप्रूव कर दिया गया है। अब दोस्तों आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको टूल किट जो 15,000 रुपए की सरकार देती उसके लिए आवेदन करना होगा और ट्रेनिंग लेने के लिए भी आवेदन करना होगा। इसके लिए कैसे करना है, टूल किट ले कैसे ई वाउचर जनरेट करना है, ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आप कैसे 15,000 रुपए का जो टूल किट मिलता है उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं या आप ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में भली भांति एनरोलमेंट अपना कर लिया है, अब आप पीएम विश्वकर्मा योजना के में टूल किट और ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों जब आप ई वाउचर जनरेट कर लेते हैं 15,000 रुपए का और ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए प्रतिदिन भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी मिलेगा। उस सर्टिफिकेट में वो दोस्तों ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपने इतने दिनों की ट्रेनिंग इस फील्ड में कंप्लीट कर ली है और आपको एक आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। साथ साथ जब आप घर आएंगे तो वहीं पर आपको बैंक अकाउंट आपका पहले से लगा है, तो जितने दिन भी आपने ट्रेनिंग की है उन सभी दिनों का 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था, हालांकि मैं सब्सक्राइबर की बात करूं, हमारे गाँव में मैंने एक लोगों का आवेदन किया था पीएम विश्वकर्मा योजना में, फरवरी माह मैंने आवेदन किया था और अक्टूबर माह में उनके पास आईडी और सर्टिफिकेट आया। बट जब मैंने उनसे पूछा क्या आपने ट्रेनिंग वगैरह कर ली, तो उन्होंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास तो ऐसे आ गया। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने पता किया कि ऐसा क्या है, क्यों है सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड सरकार पहले क्यों भेज रही है, तो मुझे पता चला ये सिर्फ एनरोलमेंट के बेसिस पर है और आप जब ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो फिर से एक सर्टिफिकेट आईडी आपको दिया जाएगा, वो निर्धारित करेगा हाँ आप एक सर्टिफाइड, जिसके लिए भी चाहे आपने ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई किया हो, आपने राजमिस्त्री का अप्लाई किया हो, तो वो सर्टिफिकेट आईडी आपको वेरीफाई करेगा हाँ आप एक वेरीफाइड ब्लैक स्मिथ कारपेंटर या राजमिस्त्री हैं। तो इस सर्टिफिकेट को सिर्फ एनरोलमेंट के तौर पर आप देखिएगा, बाद बाकी आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और आईडी अलग होगा और आप ई वाउचर या 15,000 रुपए का जो टूल किट मिलना है उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आपके पास टूल किट, आपके पास सर्टिफिकेट आईडी तो आ गई, आपको अब पता नहीं कि आगे क्या करना है, तो वो आगे का प्रोसेस अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप से, और आप आसानी से जो पीएम विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है वो भी ले पाएंगे। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल हेल्प हिंदी को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड जानकारी लगातार मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को करंट जो जानकारी है, भारत सरकार की नई नई स्कीम्स हैं या प्रदेश सरकार की नई नई स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने का मैं आपको काम करता हूं। तो आशा करता हूं कि हमारे छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी विश्वकर्मा योजना से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।